एक बार पुरानी चाइनीज स्टोरी है कि एक बार एक वहाँ पे बड़े भारी दार्शनिक हुए हैं, कभी जो है बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, ला ओत्से नाम था उनका। ला ओत्से जो है वो गूगल भी करोगे आपको जानकारी मिलेगा, बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे। सुकरात के बारे में सुन रखा हमने, इसी ला ओत्से के बारे में बड़ा फेमस था। चीन के राजा को मालूम चला कि ला ओत्से जो है बहुत ज्ञानी व्यक्ति है और उनके दरबार के अधिकांश लोग उनकी तारीफ करते हैं और उनके पास जा चुके हैं ज्ञान लेने के लिए। तो चीन के राजा ने सोचा कि यार क्यों ना एक काम करता हूँ, मैं भी ज्ञान ले आता हूँ। हो सकता है कि क्योंकि उस समय तक वो चीन का राजा बड़ा डिस्टर्ब था कि इधर वॉर चल रहा है उधर वॉर चल रहा है, फोकस करने में दिक्कत थी उसको। सोचता है एक बार मैं भी मिलाता हूँ गुरु के पास जाके कि भाई शायद कुछ ज्ञान की बात हो जाए। तो राजा, अब राजा आदमी राजा होता है वो तो चलेगा, तो चार गाड़ी आगे चार पीछे, वैसे उस जमाने में बग्घिया चला करती थी, तो तमाम लाओ लश्कर के साथ पूरी सेना के साथ वो लाओ उत्सव के पास मिलने जंगल पहुंचता है, जहाँ पे उनकी कुटिया वुटिया होती है। दौड़ के जाके सेवक बोलता है कि लाओ उत्सव का जो आश्रम होता है उसके बाहर जो सेवक होते हैं उनसे जाके उनका राजा का दरबारी जाके बोलता है कि राजा आया है, बता दो जाके अंदर। है चीन के राजा, चीन तो बहुत बड़े पावरफुल कंट्री है, आज तो चीन कम पावरफुल है, पुराने समय में चाइना जो है भयंकर पावरफुल कंट्री था, आज भी है पहले भी था वो। चीन का राजा बड़ी चीज हुआ करता था। तो अब राजा वहां तक पहुंच चुका होता है, अब राजा को उम्मीद होती है कि अब हम पहुंचेंगे तो कोई स्वागत करने आएगा, कोई ढोल मोल बजेगा कुछ, तो राजा आया भी है आश्रम में, आश्रम में कोई हलचल नहीं। राजा का दरबारी दोबारा जाके बोलता है कि कहाँ है लाओ उससे, हमको उनसे बात करना बताना होगा। वो वहाँ दूर दिख रहा है, वहाँ गड्ढा खोद रहे हो। वहाँ पहुँचते हैं उनके पास, धक्के देखा तो वो अभी एक बड़ा बड़ा सा पौधा रखा है बाजू में और वो अपना पेड़ रखा है और गड्ढा खोद रहे हैं। तो बोलता है कि प्रणाम गुरु जी, ये चीन के राजा आए हैं मिलने के लिए, है ना, आप देख लीजिए स्वागत वगैरह करना चाहिए, वो राजा राजा है वो। तो वो कुछ जवाब ही देते, हो अपना गड्ढा खोद रहे होते। वो बोल के बाहर आता है, भाई ये भी गुरु है बड़े, कितना बोलेगा। तो अब बोल के बाहर आता है, बाहर आकर राजा को बोलता है कि वो गड्ढा खोद रहे हैं, शायद गड्ढा पूरा होने के बाद वो आप सबको बोल दिया होगा उन्होंने। एक घंटा गुजर चुका होता है, राजा बोलता है कि एक घंटा हो गया यार, क्या हुआ, हम तो आश्रम के अंदर नहीं जा पा रहे, कोई लेने ही नहीं आ रहा हमको अंदर। दोबारा जाके देखते तो वो गड्ढा खोद रहे होते हैं। फिर दरबारी बोलता है कि राजा को जाके बताऊंगा, तो राजा गुस्सा करेगा, बोलता है कि वो कुछ नहीं तैयारी करा रहे हैं आपके स्वागत की, है ना। छः घंटे गुजर चुके होते हैं, छः घंटे बाद जब गड्ढा वड्ढा पूरा खोद के पौधा लगा के पेड़ लगा के जब वो अब राजा बाहर गुस्से में, थोड़े समय के बाद तो उसका ईगो हर्ट हो गया राजा का, पहले तो बड़े उससे आया था, दो चार घंटे के बाद उसका ईगो हर्ट हो गया। अब राजा बहुत गुस्से में सोच रहा था वो कि यदि ये गुरु ना होता ना और लोग उसका सम्मान ना करते ना, तो आज मैं उसको फांसी पर टांगी दिया होता, उसको जैसे आता उसको उठा के, मतलब गले से फांसी लगती, मैं से पेड़ से फांसी लगा देता, ठीक है, लटका के ना, मतलब वो बहुत आँख बबूला राजा। जैसे ही वो अलाव उससे फिर बाद में आते हैं अपना, छः आठ घंटे के बाद में आते हैं, नमस्कार करते हैं कि आप आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, जलपान लीजिए पानी पीजिए, सब उनके सेवक ला के। राजा बोलता है वो सब तो ठीक है, आपको पता है समय क्या हुआ है। बोले कि हाँ काफ़ी रात हो रही है। नहीं, हम कब से यहाँ पर हैं। बोले आप काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, सब्र से। तो राजा बोलता है कि मतलब आपको समय की कीमत, मतलब आपको क्या ज्ञान देते होगे आप, जिसको समय का बोध नहीं वो क्या ज्ञान देगा हमको, है ना। आप लोग ऐसी, मतलब मैं तो अपने देश की जनता को होशियार समझता था, जनता पूरी मूर्ख है, ये तो तुमको पूछ रही है। आप बोले ज्ञान तो आपको मिल चुका है। बोले कैसे है, तो अभी मुलाकात हुई, अभी तुम मिलने आए हो, तुम बोल रहे हो ज्ञान तो मिल चुका है। बोला हाँ ज्ञान मिल चुका आपको, अब आप जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। नहीं, बोले कैसे ज्ञान मिला बताओ। बोले ज्ञान ऐसे मिला, मैं गड्ढा खोद रहा था, छः घंटे मैंने अपना काम फिनिश किया, आप आए, आपका सेवक आया, सब बताया उन्होंने कि ये है वो है, तमाम मैं सुन रहा था, लेकिन मैं अपना काम पूरा कर रहा था। जब तक मैंने उस पेड़ को लगाने का प्रण लिया था, तब तक मैंने उस पेड़ को पूरा नहीं लगा दिया, मैं अपनी जगह से हिला नहीं, डिगा नहीं मैं, चाहे तुम जो भी हो, कोई भी ताकत हो सामने, मैं अपने से डिगा नहीं मैं, मैंने अपना काम पहले पूरा किया, तो सोचा था वो पहले पूरा किया मैंने, अब इसके बीच में चाहे मृत्यु क्यों ना जाती, पहले मैं काम पूरा करता। और मुझे मालूम है कि आपको नाराज करना मृत्यु से कम नहीं है, आप अभी मुझे मार सकते हो, लेकिन मैंने तब भी अपना कर्तव्य पहले पूरा किया। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, सुन रखा है मैंने आप बहुत डिस्टर्ब हो, फोकस नहीं हो आप, जैसे मैंने किया ना ऐसे करना अगली बार, जो काम करो पहले पूरा उसे फिनिश करना, अगले काम के बारे में बाद में सोचना। राजा को ज्ञान मिल गया, वो समझ गया कि ये कोई छोटा मोटा गुरु नहीं है, ठीक है।
द फोकस शुड बी लाइक दैट, कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे को डिस्टर्ब ना कर सके। यदि कोई दूसरे की बात से कोई कुछ कह दिया, तुम उससे डिस्टर्ब हो रहे हो, इसने ये कह दिया, उसने वो कमेंट कर दिया, अरे वो तो नालायक है, पैदाइशी नालायक है भाई, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो उसमें, वो तो नालायक है, नहीं कर सकता भाई, उसको नहीं करना है, उसको उसकी इच्छा ही नहीं है उसकी करने की, कहीं तो टाइम पास करेगा बंदा, तो अपने पास आ गया, व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम, यू शुड बी बिहेव लाइक लाओ से, कि भाई वो जैसे कि आपको अपने काम पे काम रखना है, आपको अवॉइड देम, नेग्लेक्ट देम, समझ गए बात को, ठीक है। तो आगे से अब इन छोटी छोटी बातों में बेटा डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि तुमको लग रहा है एग्जाम बहुत कठिन है भाई, एग्जाम में इतना ह्यूज कॉम्पिटिशन, रेशियो निकाल लो बैठ के बीच के, इसलिए हमको जो है पॉजिटिव तो रहना है, प्रैक्टिकल भी रहना है हमको, कि हमको कभी जो है वो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही बढ़ना है हमको, हर दिन हमको आगे बढ़ना है, हर दिन हमको सीखना है। बायोमेंटर्स पेश करते हैं स्पेशल ऑप्स मिशन 705 बैच नीट 2025 के लिए, एक विशेष बैच जो रिपीटर्स के लिए डिजाइन किया गया है सिर्फ 30,000 रुपए में, 6 महीने का कोर्स सितंबर से फरवरी तक। इस बैच में आपको मिलेंगे ऑफलाइन टारगेटेड DMT, कॉन्सेप्ट बेस्ड DMT एक्सप्लेनेशन, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, वीकली टेस्ट, स्पेशल डाउट सेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस, स्पीड बिल्डिंग स्पेशल सेशंस। कोई लंबी क्लास नहीं, केवल इंटेंसिव प्रैक्टिस। भोपाल कमांड सेंटर पर स्पेशल ऑप्स बैच में केवल 165 सीटें हैं, रजिस्ट्रेशन जल्द ही खुलेगा। केवल सिलेक्टेड कमांडो को ही स्पेशल ऑप्स मिशन 705 बैच में प्रवेश मिल सकता है। हम इस फॉर्म के आधार पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उनके साथ इंटरव्यू करेंगे। प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें।